नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट्स आ गए, तो आज हम रिजल्ट्स का फुल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या टारगेट प्राइस हो सकता है और बाइंग लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहना। और आज के दिन हम देख सकते हैं इसमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो 8% ये जो है शेयर वो आज के दिन ऊपर था दोस्तों। और अभी रिजल्ट्स एनालिसिस कर देते हैं कि रिजल्ट कैसे आया इस कंपनी के। इस बार का जो कंपनी का टोटल इनकम रहा है 906 करोड़, और लास्ट ईयर ये जो था 755 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर 20% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करूं दोस्तों, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिर्फ 2% का ही नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो लास्ट ईयर ये 87 करोड़ था, उससे भी इंक्रीज हो गया 89 करोड़ हो गया। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी को जो है -5% का नुकसान हुआ। तो लास्ट ईयर ये लास्ट क्वार्टर में ये 94 करोड़ का था, अभी ये 89 करोड़ हो गया। तो उसका एक रीजन ये है दोस्तों कि इनके जो इस बार का जो टैक्स है वो काफी ज्यादा है, तो टैक्स की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उस पर इम्पैक्ट आया हुआ है। और उसकी वजह से कंपनी का अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी गिर गया है। तो 9.79% है इस बार का नेट प्रॉफिट मार्जिन, और लास्ट ही ये 11.5% के आसपास था। तो दोस्तों यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन गिरा है क्योंकि खर्चे बढ़े और दूसरा टैक्स भी है कंपनी का। इस बार का जो है टैक्स काफी ज्यादा है, इसलिए इसका प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आया हुआ है। तो ओवरऑल मैं दोस्तों टोटल इनकम देखूं तो टोटल इनकम में नो डाउट कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ, इनकम इंक्रीज हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट के लिहाज से वो जो टोटल इनकम जो इंक्रीज हुआ है वो उसका इम्पैक्ट हमें नेट प्रॉफिट में देखने को नहीं मिल रहा है। और दोस्तों इसके अलावा अगर मैं देखूं तो ओवरऑल अगर इस बार के रिजल्ट्स की बात करूं तो काफी एवरेज है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि काफी खराब है या काफी अच्छे है, एवरेज रिजल्ट्स हम कह सकते हैं। और अगर ईपीएस की बात करूं तो ये 3.9 का था, अभी ये इंक्रीज हो गया 3.99 का हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एक कांस्टेंट होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है 73%, एक पॉजिटिव चीज है कंपनी के लिए। वहीं एफआईएस की होल्डिंग की बात करूं तो एफआईएस ने होल्डिंग अपनी इंक्रीज किया, तो लास्ट क्वार्टर में ये 5.47% से अभी ये इंक्रीज हो गया 6.86% हो गए। और वहीं डीआईएस की जो होल्डिंग है उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो 13% से गिर के ये 11% के आसपास हो गई है। फिर भी दोस्तों मुझे एक पॉजिटिव शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है क्योंकि एफआईएस के पास भी होल्डिंग है और डीआईएस के पास भी होल्डिंग है। और कोई भी अगर आप शेयर देखोगे तो कोई भी शेयर जो इनका प्लेज परसेंटेज यहाँ पे कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, तो अगेन एक ये अच्छी चीज है कंपनी के लिए। और इसका आरओसी काफी शानदार है, 33% का आरओसी है, वहीं आरओई भी 24.7% का है, तो काफी शानदार है इसका आरओसी और इवन आरओई। दोस्तों अगर मैं इसके शेयर प्राइस की बात करूं तो अभी जो क्लोजिंग हुआ है शेयर प्राइस का हुआ है अराउंड 532 के लेवल के आसपास का इसका क्लोजिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी भी ये अपने 20 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। और आने वाले दिनों में जो टारगेट प्राइस हो सकता है, पहला जो टारगेट हो सकता है वो 560 का हो सकता है यहाँ पे, और दूसरा जो टारगेट हो सकता है दोस्तों वो अराउंड 582 के आसपास का हो सकता है। अगर ये दोनों टारगेट अचीव कर लेता है तो 657 के नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो 496 जहां से इसने मूवमेंट लिया है, यहां से मतलब एक आज अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, अगर वहां पे आपको ये शेयर मिल रहा है तो आप एक न्यू अपॉर्चुनिटी मतलब न्यू बाइंग आप कर सकते हो। या तो अगर 496 पे नहीं तो यहां से अगर 496 पे नहीं तो अगर यहाँ से अगर ये 2-3% नीचे अगर गिर जाता है तो 532 लेवल से अगर ये सपोज हम कह सकते हैं कि अराउंड 520 तक भी आ सकता है दोस्तों, तो 520 पे आप एक न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, या तो फिर आप वेट कीजिए कि अराउंड 500 के लेवल के आसपास का आप वेट कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों आपके पास कितने शेयर्स है इस कंपनी के और कौन सी लेवल पे बाय किए हो तो आप मुझे जरूर बताना। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।